नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा। आज मैं आपको दिखाता हूं Vivo V15 और V15 Pro का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन, यानी कैमरा कंपैरिजन। और इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैमरा को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है और आपको किस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए। और क्योंकि दोनों फ़ोन्स का जो सेल्फ़ी कैमरा है वो बहुत ही चर्चा में है, यानी पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है दोनों में, इसलिए सबसे पहले सेल्फ़ी कैमरा से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान मैंने दोनों फ़ोन की फ्रंट क्वालिटी आपको चेक करा ही रहा हूँ और साथ साथ ऑडियो क्वालिटी में भी जंबल कर रहा हूँ। और अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इनकी डायनामिक रेंज और इनके कलर कंट्रास्ट भी एटलीस्ट टेस्ट करा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मुड़ जाता हूँ और पीछे देख सकते हैं कि मेरे कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, और ग्रीन है, येलो है, रेड है, और यहाँ पर आपको ऑरेंज भी देखने को मिल जाएगा। और आप दोनों फ़ोन के कलर्स देख सकते हैं किसका बेटर कलर आपको लग रहा है। साथ ही साथ अब मैं आपको थोड़ा सा ब्राइट लाइट में जाता हूँ कि अगर डायरेक्ट लाइट मेरे चेहरे पड़ेगी तो कौन सा फ़ोन कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और अब मैं अगेंस्ट द लाइट जाकर दिखाता हूँ कि अगेंस्ट द लाइट जाने पर कौन सा फ़ोन बेटर डायनामिक रेंज प्रोवाइड करता है। तो पीछे डायरेक्ट सनलाइट है मेरे, देख सकते हैं, और इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा अगर आप तेज़ धूप में अगेंस्ट द लाइट फ़ोटो क्लिक करना चाहें। और अब मैं आपको इनकी एक बार स्टेबलाइजेशन चेक करा देता हूँ। थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से फ़ोन का फ्रंट कैमरा ज़्यादा स्टेबल है। और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि फ्रंट कैमरा में Vivo V15 में एक ग्लेयर दिख रही है जो कि V15 Pro में नहीं है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेटर है, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, पर फिर भी यहाँ पर ग्लेयर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पर एनीवे, अब हम सेल्फी की फ़ोटोज़ पर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम रियर कैमरा पर शिफ्ट करेंगे। अब एक बार इनकी रियर कैमरा क्वालिटी पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब आपने इनकी फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी देख ली, फ्रंट कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर्स भी देख ली, साथ साथ आपने रियर कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर्स भी देख ली। और आपने ये भी देख लिया होगा कि दोनों फ़ोन का जो रियर कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ क्लिक करने की क्षमता रखता है। और अब बारी आती है रियर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की, क्योंकि आज वीडियोज़ भी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके इसके रियर कैमरा के वीडियो के भी एस्पेक्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम कलर्स देख लेते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा रेड कलर दिखा देता हूँ कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा रेड कैप्चर करता है। थोड़ा अब येलो पर नजर डाल ली जाए। और अब मैं आपको पर्पल दिखा देता हूं, और ग्रीन कलर तो आपको साथ साथ दिखाई दे ही रहा होगा। इसके साथ साथ आपको दोनों फोन्स की ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छा ऑडियो कैप्चर करता है। और अब मैं आपको डायनामिक रेंज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है मेरे सामने, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तेज़ ब्राइट सनलाइट है और आपको लाइट पड़ती दोनों दिख रही होंगी दोनों फ़ोन्स में। और यहाँ पर अब मैं आपको एकदम अगेंस्ट द सनलाइट कर देता हूँ फ़ोन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ धूप है सामने, और आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस दोनों फ़ोन का। और अब एक बार हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा पूरा घूम जाते हैं और आपको डायनामिक रेंज का अंदाज़ा करवा देते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छी वीडियो कैप्चर करने की क्षमता रखता है। और अब मैं आपको इनकी स्टेबलाइजेशन भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा तेज़ चलने वाला हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है स्टेबलाइजेशन के मामले में। क्योंकि स्टेबल वीडियो ना हो तो कई बार परेशानी हो जाती है आप सभी को। और थोड़ा तेज़ भाग के भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि ये मैं फिलहाल अभी स्क्रीन में देख के आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा अच्छा ही कलर्स कैप्चर करता है, ये आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया कैमरा के मामले में, साथ साथ आपकी क्या राय है, आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।